2024 चुनाव में भले ही हमें सफलता न मिली हो, लेकिन विकास के कार्यों में हम लोगों ने यहाँ पे किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती। आपने देखा होगा दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज भी काशी से गाजीपुर होते हुए ही डिब्रूगढ़ के लिए प्रस्थान किया था। रेलवे की कनेक्टिविटी, मनोज जी जब रेल मंत्री थे तब उस समय बेहतरीन रेलवे का प्रचार प्रसार हुआ, और साथ साथ यही नहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से अब तो आपने देखा होगा दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज भी काशी से गाजीपुर होते हुए ही डिब्रूगढ़ के लिए प्रस्थान किया था। यानी अब यात्रा के साथ साथ जल मार्ग का यहाँ के किसानों के द्वारा अपने खाद्यान्न को वहां भेजने का एक कार्यक्रम, हर घर नल की योजना हो, हर गरीब के घर में अपना आवास हो, हर गरीब के घर में बिजली चमकती हुई दिखाई दे, ये विकास, लोक कल्याण और सुरक्षा का बेहतरीन माहौल, ये केवल और केवल मोदी जी के कारण ही संभव हो पाया है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम इस क्रम को निरंतरता दे सके मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। जाति, मत और मजहब की राजनीति कभी किसी का कल्याण नहीं कर सकती। इसी ने उत्तर प्रदेश के विकास में सबसे बड़ा बैरियर था, और इस बैरियर को उत्तर प्रदेश की जनता ने समझा। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश ने जब अंगड़ाई ली, बैरियर को हटाया, और आज मैं गाजीपुर की जनता का आह्वान करने के लिए आया हूं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भले ही हमें सफलता न मिली हो, लेकिन विकास के कार्यों में हम लोगों ने यहाँ पे किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती, और इसीलिए आज मैं आपके पास आह्वान करने के लिए आया हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने कार्यक्रम के दौरे को केंद्र बिंदु बनाया है आपके गाजीपुर जिले को, और आपका आह्वान करूंगा। आपने डबल इंजन सरकार की ताकत का एहसास देखा है, कार्य की गति को देखा है, सुरक्षा के बेहतरीन माहौल को देखा है, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचते हुए देखा है, हर एक व्यक्ति के सम्मान को देखा है। इस कार्यक्रम को और गति देने के लिए आवश्यक है डबल इंजन सरकार के साथ कार्य करने वाली प्रतिनिधि भी हमेशा आगे बढ़ करके कार्य कर सके। इसके लिए ताकत होती है उन योजनाओं को उन जिले में पहुंचाने के लिए, उन लोगों की आवश्यकता होती है, और उसी के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं आपसे आह्वान करने के लिए। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपने इस प्रवास के दौरान गाजीपुर जनपद को केंद्र बिंदु बनाने के लिए एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, और आप सबको इस बारे में आश्वस्त करता हूं विकास की दौड़ में गाजीपुर कहीं पिछड़ने नहीं पाएगा। हर प्रकार की योजनाएं यहां आएंगी। भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन सरकार पर विश्वास करिए, सुरक्षा और समृद्धि की गारंटी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आप सबको देती है। इस आश्वासन के साथ मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।